हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी सो के उठे हैं, बस अभी सो के उठे हैं। इनका मेकअप नहीं हुआ है, नहाएंगे उसके बाद फिर इनका सजावट होगा। अभी तो रात में तो सब कुछ उतार दिया जाता है इनका, इनको हल्का कर दिया जाता है ताकि आराम से सो सके। और मेरी रिद्धि सिद्धि भी अभी सो रही है, ये देख लीजिए। सिद्धू रानी इधर से ही है, रिद्धि इधर। ये लोग अपने जगह से घूम घूम के इधर उधर आ जाती है, इधर से सो उठ के रिद्धि इधर आके सोई है। अभी दोनों भी सो रही है। ये सुबह सुबह 6:30 बजा है, उसके पापा भी सो ही रहे हैं। ये लोग तीनों जन भी सो ही रहे हैं। हम और माँ जग चुके हैं, तो आज थोड़ा जल्दी उठ गए थे, तो थोड़ा पेड़ पौधा छत पे चले गए, कुछ कुछ कर लिए। दिखाते हैं आप लोगों को क्या हम किए। ये देखिए, ये नया पौधा आज लगाए हैं, सो प्लांट है इसमें गमला में। और फिर इसमें ये एक जेट प्लांट था, उसको इसमें ट्रांसफ़र किया। और इसमें भी, और बाकी जो छोटा छोटा डाली था जिसमें रूट आ गया था उसको इसमें डाल दिए है। और ये पर्पल वाला सो प्लांट आज लगाए हैं, ये सब अभी कर लिए हम सुबह सुबह, क्योंकि आज टाइम मिला, टाइम ही नहीं मिल पाता इधर उधर, तो हम कुछ देख ही नहीं पाते हैं। अभी घी दिए हैं कढ़ाई में, ये होने के लिए, घी बनने के लिए चढ़ाए हैं। फिर दूध उबाल के रखेंगे का बॉटल उबाले, ये सब कर रहे हैं जल्दी जल्दी। और अभी टाइम है अच्छा खासा मेरे पास कि हम कुछ कुछ कर सकते हैं एक्स्ट्रा काम। अभी देखिए, जब तक ये लोग सो रही थी तो हम आज रोटी ही बना के हटा लिए पहले, क्योंकि ये लोग डिस्टर्ब करती है। ये रोटी पहला रोटी गाय का रखते हैं मोड़ के, उसके बाद सब्जी काट लेते हैं। सब्जी पत्ता गोभी काटे हैं, पत्ता गोभी का रायता बना देंगे सोच रहे हैं। बाकी ये सब बचा हुआ सब्जी था, इन सबको काट के एक सब्जी भुजिया बना देंगे, इसमें गाजर उजर जो भी बचा हुआ सब डाल के। हम भी बच्चों के सोने का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, पत्ता गोभी दे दिए हैं, अभी गैस पे रख दिए हैं, सब्जी मिल जा रही है। सब्जी भी काट लिए हैं, पानी डाल देते हैं इसमें, क्योंकि अभी है देरी है, सो रही है दोनों, पापा भी सो रहे हैं। उठेगा तो तीनों एक साथ, किसी को चाय चाहिए, किसी को पानी चाहिए, दूध चाहिए, फिर इन लोगों का सुसु पति सब, इसलिए जितना कुछ कर पाते हैं कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सिद्धि मेरी उठी है और गुस्से में, देखिए हम कैसे गोदी से पिछड़ के नीचे में आके सो गई है। हम उसको सुलाते हैं। सिद्धू रानी गुट्टू गुट्टू कर लो बेटा। रिद्धि को भी ढूंढने के लिए आ चुके हैं पुन्नी के पापा, नीचे आवाज़ दे के गए और वो भी सो ही रही है। बोल रहे हैं लाइए तो उठाइए, अब कितना सोएगी। उसका भी आ गया बुलावा। और इधर तैयार हो, बाल बनवाओ बेटा और कंघी कर दे। और लो कंघी नहीं कराएगी, जाएगी ना नीचे पापा साथ। रिद्धि तो अभी भी सो ही रही है, वो पापा को कंघी देने लगी। पापा भी करेंगे, पहले तुम कर लो, पहले तुम कर लो बेटा। रिद्धि क्या मुंह में डाल रही है तुम? ए लड़की, ओए विधु भी सो के उठ गई है। रिद्धि पी के खाली बॉटल इसको पकड़ा दी, इसको भी तो चाहिए होता है खाली बॉटल, पी ली अपना और इसको बढ़ा दी। नहीं बेटू चलो उठो, अब सुसु पोटी करो सिद्धु। ये देखिए मेरा दाल भी बन गया, मतलब 9:30 होने के पहले ही मेरा बहुत कुछ हो गया है। सब रोटी बन गया, फिर ये सब्जी बन गया है, मतलब भुजिया जैसा ही बना है ये। फिर रायता करके रखे हैं, अब दही आ गया है, मिला के रायता बना देंगे। माँ भी नहा चुकी है, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि तो पुन्नी के घर गई, सिद्धि पापा के साथ नीचे गई है। बर्तन वर्तन धो लिए हम, आज बड़ा जल्दी जल्दी काम हो रहा है, अब जा रहे हैं। बच्चों को अभी कुछ नहीं किया, नहाई धोई नहीं ये लोग, बस थोड़ा सा कपड़ा है ये सब धोना है हमको और नहा लेना है। सिद्धि तो पापा के पास घूम रही है।
देखिए मेरा रायता में दही सरसों मिला दिए हैं, बस कड़ी पत्ता लाए हैं, सरसों कड़ी पत्ता का तड़का लगा देंगे तो रायता भी बन के तैयार हो जाएगा, फिर हम नहाने चले जाएंगे। ये देखिए हम तड़का भी लगा ही दिए, अब निश्चिंत हो गए, अब दाल खाली छौंकना रह गया है, जा रहे हैं नहा लेंगे। मेरा नहाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अब देखिए दूध आ गया, ऐसे भी हम छोड़ के नहीं जा सकते थे क्योंकि माँ भी गई थी एक जगह प्रसाद लेने फुआ के घर, तो वहाँ से आई, कोई था ही नहीं तो हम कैसे नहाने चले जाते। फिर अब ये लोग प्रसाद लेके आए, माँ भी आ गई, सिद्धू रानी भी आ गई, देखिए बैठे, इसको थाली में रख दिया ताकि ये छिटे, ए नीचे नहीं गिराना बेटा, इसमें ही खाओ, खाओ बेटू, दादी के साथ खा खा कर रही है बेटा, खा रही है दादी के साथ, डांडू के छोट खो खो खा खा कर रही है, तो लेट क्यों जाती है, बैठ के खाओ। दीदी भी आज घर आ गई, आज दोनों को घर में नहाना है, क्या देख रही है तुम रिद्धु, आ गए हैं अब इन लोगों को नहलाएंगे, नाश्ता के पापा भी नहाने गए हैं, नहा के आते हैं तो नाश्ता सब लोग का करेंगे, माँ को भी दिए हैं, उतरेगी नीचे, देखना आप दोनों लड़ाई कर मत कर लेना वहां पे। दोनों को देख रहे हैं पापा के साथ आगे नाश्ता करने, अभी सबसे बड़ा काम है इन लोगों को नहलाना, दोनों को नाश्ता हो गया, हम भी नाश्ता कर लेंगे तो ही इन लोगों को नहलाएंगे, क्योंकि उसके बाद सोएगी भी तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी थोड़ा सो लेंगे ऐसा सोच रहे हैं, होगा क्या पता नहीं, अभी तो साबुदाना चढ़ाए हैं सिद्धि के लिए, रिद्धि तो दाल चावल खा के आई पूर्णिमा के घर से, लेकिन सिद्धि दाल चावल नहीं खाना चाहती है जल्दी, तो इसको साबुदाना बनाए हैं, इसको थोड़ा मीठा ही पसंद है, दूध रोटी केला ये सब खाती है, केला तो आज है नहीं, तो हम साबुदाना थोड़ा सा इसका चढ़ा दिए हैं गैस पे, खिला देंगे इसको भरपेट, और फिर हम अपना भी नाश्ता निकाल ही लेंगे, ये लोग अब खा रही है दोनों पापा के साथ। आप अभी निकलेंगे क्या, खा रही के खेल कर रही है, रिद्धि को दही पसंद है, इनको दही चीनी दिए है ना, रायता नहीं दिए है, तो रिद्धि दही खाती है थोड़ा सा, सीधी दही लगा के नहीं खा रही है। हम भी पहले प्रसाद खा लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर नाश्ता निकालेंगे अपना। अरे अरे घंटी बजा रही है, दीदी का मुंह देखिए ना, दही खा लिया है इसको दही पसंद है, ये खाती है मेरे जैसा, हमको भी दही पसंद है। अब हम नाश्ता निकालें अपना, फिर इन लोगों को नहलाएंगे, उनको नहला दिए अब सोने का तैयारी में, सिद्धि तो सो ही गई, नहला कपड़ा पहनाते पहनाते वो सो गई, और रिद्धि अभी सो रही है, थोड़ा सा पैर हाथ इसको चाहिए, थोड़ा सा हिला दे रहे हैं, बार बार बढ़ा दे रही है, छोड़ के हटते हैं तो चेंज करने लगती है, सहलाते सहलाते ये भी सो ही जाएगी, अब रोड पे देख रहे हैं पैर बढ़ाते थे, रोड पे दौड़ती है, कल गिरी है यहाँ पे, चोट लगाई है, थोड़ा सा लाल भी हो गया इसका, आँख बंद करके दौड़ जाएगी एकदम सीधा। दोनों सोई, अब थोड़ा सा काम और जो बचा खुचा है मेरा वो सब कर लेंगे, जैसे अभी दाल खाली नहीं किए हैं, चावल नहीं बना है, इनको साबुदाना ढक दें क्योंकि सीधी सो के उठेगी तो ही खाएगी ये, और बर्तन भी नाश्ता का थोड़ा सा हुआ ये सब अभी धुल देंगे, क्योंकि फिर उठेगी ये लोग तो रोना धोना दोनों को दूध पिलाएंगे, अभी सोई है तो वो कपड़ा वपड़ा खोल खोल के फेंकते गए दोनों नहाई जो सब, तो कल धोएगा, घर का सारा छोटा छोटा काम खत्म हो गया, सिद्धू रानी एक बार बॉटल डिलीवरी भी हुई थी, ले गई सोएगी, दीदी दादी के पास सो रही है, पूरा कमरा हम लोग बंद कर देते हैं और पर्दा डबल कर देते हैं क्योंकि पूरा गर्म हो जाता है रूम, और अंधेरा कर देते हैं, अभी 12:30 बजने वाला है, चावल भी हम गैस पर रख दिए हैं, भात का सीटी आ जाएगा तो हम बंद करके और हम भी थोड़ा देर आराम कर लेंगे, लेट जाएंगे बच्चों के साथ, उसके बाद जब सो के उठेंगे तो आगे का ब्लॉग दिखाते हैं, क्योंकि काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, एक एक करके करते 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 होते ही रहता है, इसलिए चावल भी आज बना ही दिए।
अब से 3 उठ गई, अभी 1:30 बज रहा है, हम भी लेटे थे, लेटे हम भी सो गए। फिर इसके पापा को खाना खींच दे दिए, यही जगह है कि भूख लगा, चलो खाना दे 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 दी। अब से फिर रानी भी आँख खोल के इधर उधर ताक रही है, इसको भी अब खिलाएंगे खाना। सिद्धि रिद्धि भी सो के उठ गई, सिद्धि तो उठी पट्टी की खाना खाई, रिद्धि भी उठी है तुरंत। अब दोनों पापा को झोंक रही उधर, ये यहीं से खेलती है, इसको लगता है हम भागने में गिर जाएंगे। दोनों भागेगी उधर से, कैसे भागो बेटू। भागो बेटू, भागो 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 भागो। अभी से अब इन लोगों का, अब जो अभी 2 बज रहा है, अब उठी अब 5:30 बजे तक। तो खैर आज हमको भी अच्छा खासा मौका मिला रेस्ट करने का, और सुबह उठे थे जल्दी आज, तो उसका फायदा हुआ, सबसे बड़ा बात ये है आज बहुत जल्दी उठ गए थे। रितु रानी इसको भी भूख नहीं लगाई, उलझ रही है सबसे। क्या देने गई आपको क्या? भी बैठने दो, सिद्धि भी बैठ रही है इस पे, अंदर ही ले आया रूम में गाड़ी खींच के अपना डक, और बैठ के खेल रही इस पे। और सिद्धि को बैठने में रिद्धि के साथ डर लगता है, बैठना दोनों चाह रही है, लेकिन सिद्धि अकेले बैठेगी, जहाँ रिद्धि को बैठाते बस उसको रिद्धि से खतरा लगता है, वो उतर जाती है। रिद्धि बैठा लेती सिद्धि को, लेकिन सिद्धि बैठने नहीं तैयार है रिद्धि के साथ, वो अकेले बैठना चाह रही है। चलिए उधर उधर देखिए दादी को जाते, और बैठो तुम भी सिद्धि। ये बैठी है, उसको बुला रही है, बैठो, बुला उसको, बोलो तो बैठने, आ बुला, बोलो आ। ये लोग इसी तरह भाषा अपना भाषा में बात कर रही है, गिर जाएगी इस टाइम जो मार रही है। हाँ सबको ही है रिद्धि, और खाएगी रिद्धि अपने से दवाई खा रही है, पैर डाल दी थी अभी यहाँ चेयर के नीचे, ये वाला थोड़ा सा लगा था, हम ही बैठे थे ऊपर, झटका से लगा, लेकिन अर्निका दे देते हैं दो। हाँ लो उसको लाइटर दे के फुसला रही है, ये लाइटर खराब है, ये लोग को खेलने दे दिया। रिद्धि उसको लाइटर दे के फुसला दी, दो रिद्धि अब हो गया तुम्हारा 5 बूंद, दवाई दे दो, लीजिए तो दवाई से फुसला के चलो बेटू। सिद्धि को देखिए अब इधर ये लोग आ गई, इसके पापा अभी निकल रहे हैं, और दोनों भी रहेगी अब घर में ही शाम में। पानी पियो, अभी मुड़ी देके बैठा है इन लोगों को, पापा निकल गए ना इसके, तो अब ये लोग शाम में घर में ही है, तो मुड़ी दिए हैं, रिद्धि उधर बालकनी में है। हाँ बुला फोन पे, बोलो हेलो आओ। पुन्नी दीदी नहीं आई है रिद्धि? नहीं जा, कहाँ चली गई पुन्नी? है रितु, रितु पुन्नी कहाँ चली गई? जा पुन्नी दीदी नहीं आई है पुन्नी दीदी। देखिए आज थोड़ा लेट ही हो गया वीडियो अपलोड करने में, अब शाम का हम आटा निकाल के रख लिए हैं सानने के लिए, क्योंकि फिर रोटी बना के रख लेंगे, उसके बाद सब्जी लेने जाना है इनके साथ, और रिद्धि सिद्धि गई है पुन्नी के घर। तो आज हम वीडियो को यहीं पे अपने ब्लॉग को स्टॉप करते हैं, कल एक न्यू ब्लॉग में मिलाते हैं बच्चों से और अपने घर के रूटीन से, तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।